वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, मैं आपका साथी इंद्रजीत सिंह। जैसा कि आप सभी लोग परिचित हैं कि आज लॉकडाउन को चलते हम लोग अपने अपने घरों पे और अपने अपने व्यवसाय से दूर हैं। दोस्तों, समस्या जहां पर इस महामारी से बचने की है, जो परेशानी हमें आ रही है उससे बचने की है, वहीं वहीं साथ साथ आगे आगे हमारे को आर्थिक तौर पे भी अब नुकसान का अंदेशा नजर आ रहा है। आज की जो वीडियो है, मैं उन सभी ट्रांसपोर्टर्स के नाम, उन सभी गाड़ी मालिक के नाम, उन्हीं सब चालकों के नाम करने जा रहा हूं जो इस परेशानी से आगे जूझने वाले। दोस्तों, हमारे साथ जो अभी होने वाला है लॉकडाउन में है वो तो मैं बता देता हूं, उसके बाद में जो होने वाला, सबसे पहला आपका काम जो है, हम फिटनेस और परमिट तो शायद आसानी से बनवा पाते हैं, या उसकी फीस माफ के लिए हमने पहले बोल दिया है कि हम लोग अभी इस हालत में नहीं कि फीस दे पाए। दोस्तों, मैं लगातार आपको देखा होगा कि मैं एक बात कहता आ रहा हूं कि इंश्योरेंस आपकी गाड़ियों की 20,000 से कम नहीं होती, और जिसके पास एक से अधिक गाड़ी है, क्योंकि हम अभी मार्च अप्रैल में गाड़ियां लेते हैं, तो काफी लोगों के पास इंश्योरेंस का बर्डन आ गया होगा। तो आप लोगों ने जो मेरा आज मैसेज आप तक है, को आप लोगों ने क्या करना है, ये वीडियो पूरी देखना है। इसमें आर्थिक मदद का बताऊंगा कि कैसे आर्थिक मदद मिलने वाली है और कहाँ कहाँ से मिलने वाली है, वो भी लास्ट में बताऊंगा। पहले इंश्योरेंस का बता रहा हूं कि इंश्योरेंस हमें कैसे कैसे करना है। हमें सबसे पहले अपनी अपनी इंश्योरेंस कंपनी को बोलना है कि मैं आपका एक अच्छा मित्र हूं, एक आपका अच्छा कस्टमर हूं, और मैं इतने साल से आपकी कंपनी की सेवा ले रहा हूं, आपकी कंपनी के साथ मेरा टाई अप चल रहा है, मैंने आज तक आपके यहां इंश्योरेंस करवाई है और मेरे को क्लेम भी नहीं लिया, और कभी क्लेम लिया है तो क्लेम के लिए इंश्योरेंस करवाते हैं। मैं आपसे इंश्योरेंस करवाना चाहता हूं, आपकी कंपनी से कराऊंगा क्योंकि पहले भी आपसे कराता आया हूं, पर मैं आपसे एक विनती करता हूं कि मेरी इंश्योरेंस 12 किस्तों में करिए। जो एक साल का आपको 20,000, 30,000, 40,000 या 50,000 देना था, जैसी जिसकी गाड़ी है वैसा वैसा प्रीमियम जाता है, तो वो मैं आपको 12 किस्तों में दूंगा। जब हम सभी लोग ये बात बोलेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी भी हमारी इस बात को स्वीकार करेगी, और मुझे लगता है कि इस बात को आप सभी लोग भी मना नहीं करेंगे, ये बात सबके हित की बात है। परमिट के लिए हमने बोल दिया है, फिटनेस के लिए हमने बोल दिया है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सब करेंगे। अब अगला मुद्दा आता है कि जिन भाइयों के मकान किराए के हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टर है चाहे वो ड्राइवर है, जिन भाइयों के मकान किराए के हैं चाहे वो ड्राइवर है या ट्रांसपोर्टर है, वो तीन चिट्ठियां लिख दे। पहली चिट्ठी लिख दे वो परिवहन मंत्रालय को, दूसरी लिख दे वो पर्यटक टूरिज्म मंत्रालय को, तीसरी लिख दे फाइनेंस मिनिस्ट्री को। इन तीनों मिनिस्ट्री को लिख दो कि हम 6 महीने तक किराया देने में सक्षम नहीं है, और उसके ये जो 6 महीने का हमसे आधा किराया बाद में लिया जाए, हम बाद में देंगे, अभी नहीं दे रहे। तो ये अगर आप लिखेंगे तो एक थोड़ा सा हमारे को हेल्प हो जाएगी, क्योंकि अभी जहां से जो हेल्प मिल जाए उतना कम है। अब ये अगली बात जो बताने जा रहा हूं, वो सिंगल गाड़ी मालिक या सभी के लिए है वैसे तो, लेकिन चालकों के लिए ज्यादा है। दिल्ली के अंदर आर्थिक मदद के लिए दिल्ली सरकार ने घोषणा करी, दिल्ली में बहुत से लोग मेरे इस वीडियो को देखेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने क्या करना है जिससे आपको पैसा मार्च के अकाउंट का, अप्रैल के अकाउंट का, वह आपको एक एक्स्ट्रा 3 किस्त आपको मिल सकती है अगर आप चाहें तो। आपको थोड़ा सा प्रयास करना है। पहला प्रयास आपने करना है आपके इलाके का एमसी, एमसीडी का पार्षद। देखो, दिल्ली के अंदर क्या है, 7 सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 70 विधायक मतलब एमएलए, 244 काउंसलर, एमसीडी के जो निगम पार्षद है 244 है। आपने अपने क्षेत्र के निगम पार्षद को अप्रोच करना है कि श्रीमान जी, मैं आपके क्षेत्र में रहता हूं, मैं परिवहन का व्यवसाय करता हूं, या मैं गाड़ी चलाता हूं, अपनी चलाता हूं या किसी की चलाता हूं, ऑटो चलाता हूं, ई रिक्शा चलाता हूं, जो भी चलाता हूं, मैं आपके क्षेत्र में रहता हूं, मैं आर्थिक तौर पर परेशान हूं, कृपया मेरी मदद की। उनके पास एक फंड रहता है जिससे आपको मदद मिल जाए। इसी प्रकार आपने विधायक के पास जाना है, विधायक को चिट्ठी लिखनी है, विधायक को मेल करनी है, फोन करना है, उसको बोलना है मैं आपके क्षेत्र में रहता हूं, मैं ई रिक्शा चलाता हूं, मैं ऑटो चलाता हूं, मैं टैक्सी चलाता हूं, मैं ट्रक चलाता हूं, मैं बस चलाता हूं, या इनका मालिक हूं। सारी चीजें हैं तो परिवहन सेक्टर से।
जब आप लिखेंगे तो आपको वहां पर भी आर्थिक मदद मिलेगी। उसके बाद हमारा आता है सांसद। सांसद को आप यही बात बोलेंगे, प्लस में आप बोलेंगे मेरे मेडिक्लेम, मेरी इंश्योरेंस पर, मेरे और फाइनेंशियल जो इश्यू हैं, मैं आपके क्षेत्र में रहता हूं, मैं अभी तक आपसे कभी गुहार नहीं लगाई, मैंने कभी आपसे अप्रोच नहीं किया, लेकिन अब ये समस्या मेरे पास बन पड़ी है, इसके लिए मेरी आर्थिक मदद करवाई जाए। दोस्तों ये चीजें मैंने आपको वो बताई है जो हमारे लिए अति आवश्यक है। लॉकडाउन लगभग तय है कि बढ़ेगा। कुछ लोगों के सवाल आए हैं कि सर ऐसा करने से क्या होगा, हम घर से नहीं निकल पाते। सर 3 घंटे सवेरे सबके लिए फ्री होते हैं, जब आप दूध लेने जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, उस समय अपने विधायक, पार्षद और सांसद के पास फोन कर सकते हैं, जा सकते हैं, मिल सकते हैं, सभी के पास है विधायक, आपको जाना पड़ेगा अगर आप जीत चाहते हैं। मैं लगातार जब भी अपनी वीडियो बोलता हूं, हमेशा आपको बोलता हूं कि आप किसी न किसी संगठन के साथ जुड़ जाओ। दोस्तों अगर आप जुड़े होते ना तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होती। मेरे साथ अगर सारे इलाकों में होते, मैं विधायक को फोन करता कि मेरे पास सर 5,000 लोग बैठे हैं, 6,000 लोग बैठे हैं, आप बोलो तो मैं आप सबकी मेल कर दूं, तो मैं सभी की मेल आपके पास करवा देता। अभी भी हम लोग फिर कहते हैं, ऊपर नंबर आपको दिख रहा है, ये इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके बताएं आप क्या काम करते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं, आप गाड़ी के मालिक हैं, आप ट्रांसपोर्टर हैं, कौन से क्षेत्र में रहते हैं, मैं उस क्षेत्र के ग्रुप में आपको जोड़ दूंगा, जिससे आपको मेल करने में ना करने में जो परेशानी आ रही होगी वो आपकी हेल्प हो जाएगी। दिल्ली एनसीआर, चंडीगढ़, पंचकुला या पूरे भारत में कहीं भी आप हैं, आप अपने एमएलए को चिट्ठी लिख सकते हैं। हमारे तमाम भारत के अंदर, उत्तर भारत के अंदर ग्रुप बने हुए हैं। आप लोग जैसे जैसे मुझे व्हाट्सएप करोगे, मैं उस ग्रुप में आपको डाल दूंगा। उस ग्रुप में डालने से जहां आपकी शक्ति बड़ी होती है, वहीं पर आप लोग इस चीज को बढ़ सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है, मैं उसका भी बता देता हूं आपको, उस पर आप सभी लोग लाइक करें, जिससे कि जो भी हम ट्वीट करते हैं तो सभी लोग देख पाए। आप उसको लाइक करेंगे तो मतलब आप भी ये बात से सहमत है कि ऐसा होना चाहिए। जैसे पीछे ट्वीट किया था हमने उबर ओला उबेर को, तो उन्होंने वहां फंडिंग देनी शुरू कर दी है, किसी को राशन दे रहे हैं, किसी को फंडिंग दे रहे हैं। तो ये चीजें आपके प्रयास से ही होती है, अकेला इंद्रजीत या कोई अकेला कोई और नहीं कर पाता। हमारे देश के जितने भी संस्थान हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, यूनियन, सब अपने अपने क्षेत्र में प्रयास कर रही हैं। सबका काम करने का तरीका अलग होता है, आपका कुछ और है, मेरा कुछ और है। आप नमक ज्यादा खाते हैं, मैं कम खाता हूं, कोई तेज मिर्च खाता है, कोई कम मिर्च खाता है, कोई घी से खाता है, कोई तेल से खाता है, सबका अपना मत होता है। हर बात में आलोचना जरूर होती है, लेकिन जब किसी की आलोचना होती है, समझो आप उसका काम नाम होना शुरू। दोस्तों सर्वप्रथम अपने अपने पार्षद को, अपने अपने विधायक को आप लोगों ने चिट्ठी देनी है, जिससे कि हम अपने इस काम को पूरा कर सकें, वह एक प्राप्ति कर सकें जो आर्थिक मदद हमें चाहिए। इंश्योरेंस के लिए आपको बताया, इंश्योरेंस के लिए आप आगे काम कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें करते चले जाएंगे। और ग्रुप की बात मत भूलिए दोस्तों, ग्रुप में आज आप अभी भी आ जाएंगे। मैंने बोला है कि आप लोग राजधानी परिवहन पंचायत के फेसबुक के पेज पे जाएं, वहां लाइक कर लें, वहां जुड़ जाएं, आप जुड़े पूरा भारत एक कर दे। आज जो विपदा आई, अभी भी हमारे पास 14 दिन है, जो नुकसान हमारे पास हुआ है उन नुकसान की भरपाई की मैं गारंटी देता हूं कि आप सभी के सहयोग से हो पाएगा। जब सभी की परेशानियां पता होंगी तभी तो कर पाएंगे ना हम लोग। तो मुझे लगता है कि ये बातें सभी के हक की हैं, सभी के काम की हैं। आप सभी लोग इन बातों से सहमत हो गए, आप अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को आगे फैलाएं, जिससे और किसी भाई का भला हो जाए। क्योंकि जब तक अपने विधायक को आप नहीं बताओगे मैं ट्रांसपोर्टर हूं, आपके क्षेत्र में रहता हूं, मैं ड्राइवर हूं, मैं आपके क्षेत्र में रहता हूं, मैं रिक्शा चालक हूं, मैं ऑटो रिक्शा चालक हूं, मैं टैक्सी चालक हूं, मैं ट्रक चालक हूं, मैं बस चालक हूं, या मैं ट्रांसपोर्टर हूं, तब तक आपकी गति नहीं होगी दोस्तों। आपकी जिंदगी के लिए अनिवार्य है कि आपको ये कार्य अब जरूर करना है। ये वीडियो देखें, जितनी जल्दी फैलाएंगे, मैं आशा करता हूं पूरे भारत के अंदर सवेरे 11 बजे तक अभी से शुरू हो जाए, अपने अपने पार्षद को अप्रोच करें, उसका नंबर ढूंढें, उसकी मेल आईडी ढूंढें, एमएलए को ढूंढें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ढूंढें, आप लगातार ट्वीट कीजिए, कुछ भी कीजिए, अप्रोच कीजिए। रात रात के अंदर दिल्ली के अंदर, भारत के अंदर, एनसीआर के अंदर सबको ये पता लग जाए कि कुछ हलचल हुई है। एक बार दोस्तों हलचल कर दो, ये आपका मित्र आपसे वादा करता है कि आप जो चाहते हो ना वो सारी बातें हो जाएंगी। सिर्फ नॉक करना है, कुंडी खड़कानी है, टक टक, इतना मात्र करने से। आप जब सो रहे होते ना, कोई आपके आसपास आके टक टक करे तो आप इरिटेट होते हो,
जब एक मेल जाएगी, दो मेल जाएगी, 200 मेल जाएगी, 2000 मेल जाएगी, 2 लाख मेल जाएगी, आपकी कौन सी काम है जो नहीं होगा? मैं दोस्त आपका चौकीदार कह लो, जो गली में निकलता ना वो सीटी बजाता रहता जागते रहो, मैं तो सिर्फ कह सकता हूं जहां आप लोग का भला होगा मेरी गाड़ी का भी तो भला होगा। जहां आप लोग करेंगे, मैं अपने एमएलए को, अपने सांसद को, अपने पार्षद को फोन करने जा रहा हूं, आप भी कीजिए, फोन कीजिए, मेल कीजिए, मिलकर आइए, मेरे तो पड़ोस में, मैं मिल के आऊंगा उससे जाके। तो अगर आपको सबको ये ठीक लगता है कि मेरी जो आज बात सत्य थी, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास ये खबरें आती चली जाए। और दोस्त कई इस चीज को डाउनलोड कर लेते हैं, वीडियो को डाउनलोड मत करा, क्योंकि डाउनलोड करने से आगे वीडियो की जो वैल्यू खत्म हो जाती है, आपकी आवाज जो बड़ी ताकत बनने जा रही है वो रुक जाती है। मेरी बात से आप लोग सहमत होंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की।